मेरा नाम शरीफुद्दीन शारिक है, मेरे वालिद साहब का नाम एम अब्दुल गनी, मैं हंदवारा के असली में रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो इस वक्त है, एल्सवेयर वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट था। मैंने ज़िंदगी शुरू की थी बहसीत एक टीचर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कुछ अर्सा बाहर आने के बाद फिर मैंने अलीगढ़ जाकर के मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से LLB पास करके मैंने वकालत का पेशा इख्तियार करने के साथ ही मैं जनाब शेरी कश्मीर मरहूम के साथ मुंसलिक हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में आ गया। जो मैंने कारकर्दगी है पिछली 40 साल में अपनी सियासी ज़िंदगी में, उसको पेश नज़र रखते हुए मेरे लोग मेरे अंदरून और मेरे बीरून को जानते हैं। मेरे आवाम से मेरी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैं बुरा हूँ, भला हूँ, ठीक हूँ, जो कुछ हूँ वो आवाम मेरे जानते हैं। मेरा गरीब लोगों पसमानदा लोगों के साथ हमेशा उठना बैठना रहा है, सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारी है। हाँ, एज सिटिंग कैंडिडेट मेरे बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। मैंने अपने इस दौर में जो हमको एक तो ये कि लोगों के काम आता ही रहता हूँ, अस्पतालों में ऑपरेशंस करने में, उनको माली इमदाद देने में, कश्मीर के तलबा को, कश्मीर के व्यापारियों को, कश्मीर के बिरूनी रियासत काम करने वालों के मसाइल होते हैं, मेरे पास आते रहते हैं और मैं हमेशा उन मसाइल को उठाता हूँ, चाहे वो मरकजी पुलिस हो, चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे कोई रियासती हुकूमत हो, उनके साथ अगर किसी को कहीं परेशान किया जाता है गलतफहमी की वजह से तो मैं उसमें आ जाता हूँ और मैंने ऐसे सैकड़ों मामलात को सामने लाया। नहीं, जॉब्स क्रिएट करना वो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं मेरे हदूद में नहीं है, वो तो सरकार की पॉलिसियों में होता है, मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो। लेकिन जिस वक्त पार्लियामेंट में बात आएगी तो हमने हमेशा ये जॉब क्रिएशन के लिए बात की है, क्योंकि बेकारी है, बेरोजगारी है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं, बेरोजगार हैं। इसलिए हमने थ्रस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किए जाएँ ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार। हाँ, वो भी तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑन रोड्स फॉर ऑल इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई कैन रेज द वॉइस ऑफ पीपल ओनली, अदरवाइज इट के आई एम नॉट द ओनली मैन। लेकिन जो हमारे फंड्स हैं उनमें से हमने बहुत से रोड बनवाए। हमारी माएँ बहनें जो इस मुल्क के और चाहे रियासत की हैं, तकरीबन हमारी आबादी का निसफ हिस्सा है और वो पसमानदा है, अभी तालीमी लिहाज से पसमानदा है, सियासी लिहाज से पसमानदा है, शऊरी लिहाज से पसमानदा है और उसके साथ साथ वो इक्तिसादी लिहाज से पसमानदा है। और हमारी औरतें जो हैं वो बेचारी मजबूरी की ज़िंदगी गुजारती हैं, जो हमारे समाज का तौर तरीका है। लेकिन नया कश्मीर का ख्वाब जो शेख साहब ने 1940 से पहले देखा था, उसमें गारंटी दी गई है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें गारंटी दी है कि हम हर एक को तालीम मुफ्त दिलाएंगे। पहले साल में जितना भी मेरे से हो सकता है मैं गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए कुछ खास चीज़ें कराना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे दूर दराज इलाकों में हमारी गुजर बरादरी है ऊपर पहाड़ों में, उनके पास इलाज के वसीले नहीं हैं, दूर दराज जगहों में रहते हैं। मैं एक मोबाइल हॉस्पिटल ला करके उनके घरों तक इलाज पहुंचाना चाहूँगा ताकि उनके घरों में जा करके मेडिकल स्टाफ उनके टेस्ट ले लें। एक टेस्ट करने में उनको 5-5 सौ, 8-8 सौ, 1000-1000 रुपया खर्च होता है। मैं चाहता हूँ उनके गाँव में जाकर वो मोबाइल गाड़ी जाए और उनका टेस्ट ले ले और उनको एक्सरे करना पड़े वो उनके गांव में हो, उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़े। ये मेरा इरादा है। नहीं, मुझे कोई ऐसी बात, मेरी पर्सनल कोई बात ही नहीं, मेरा वजूद जो है वो एक खुली किताब है। गुज़श्ते 40 साल से मैं लोगों में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो लोगों से पोशीदा है। मेरे बच्चों तक को जानते हैं, मेरे बच्चे कितने हैं वो भी लोगों को जानते हैं, मेरा उठना बैठना क्या है वो भी लोगों को मालूम है। लिहाजा ये बात नहीं है, लोग मेरे जिस्म का हिस्सा है, उनको सब कुछ मालूम है।